तो ये रहा मेरा फर्स्ट वाला शर्ट, आप चेक कर सकते हैं। और ये रहा मेरा सेकंड वाला जो कि आप देख सकते हैं। Hey guys, good morning, welcome to my new vlog। And यार आज का सीन ना बहुत ही मस्त हो रखा है। फिलहाल ना आप टाइम चेक करो यार एक बार, अभी ना जस्ट सुबह के भाई साहब 11:30 हो रहा है, मतलब जस्ट नहीं हो रहा है 11:30 हो रहा है। एंड मैं हो चुका हूँ मस्त नहा धो के रेडी। एंड पता है क्या, इतना लेट आज कैसे हो गया, मतलब इतना ज़्यादा टाइम। ठीक है, वैसे तो मैं आज सुबह ना 7 बजे ही सो के उठ गया था, बट आज ना सुबह सुबह ही काम में उलझना पड़ गया। सो भाई साहब मैं कौन सा काम कर रहा था, क्या कर रहा था, चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। सर फिलहाल आप चेक करिए, ये वाले जो उपले हैं ना यहाँ पे पड़े हुए, इन सारे उपलों को ना हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे थे। भाई साहब मौसम का ना आजकल कुछ पता नहीं है, कभी भी बारिश आ रहा है। एंड इतना सारा जो उपले हैं वहाँ पे छत पे पड़े हुए, वो अगर मतलब बारिश की वजह से खराब हो जाएंगे ना, तो सारा का सारा मेहनत बेकार हो जाएगा ना। तो इतना सारा मतलब मेहनत बेकार होने से बढ़िया थोड़ा सा मेहनत और करके सारे उपलों को सेव कर लेते हैं। एंड वहाँ पे ना उतने सारे उपले जो पड़े हुए हैं, इन सारे उपलों को ना हम यहाँ पे इस बॉक्स में शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे ऊपर में। सो सुबह से तो मतलब मैं, मोनू, मुकेश, हम सब भिड़े हुए थे। ठीक है, बट अभी ना मस्त नहा धो लिया है, क्योंकि भाई साहब धूप में मतलब ज़्यादा काम होता नहीं है सुबह सुबह एंड शाम को। भाई साहब मस्त काम हो जाता है, बट धूप में उतना ज़्यादा दोपहर में काम हो नहीं पाता है। तो ठीक है यार, कोई बात नहीं है, फिलहाल अभी जितना काम हुआ हुआ, अब बाकी का काम शाम को होगा। बट अभी वक्त आ चुका है मस्त गर्मा गर्म नाश्ता करने का। एंड आई थिंक मम्मी हमारे लिए मस्त गर्मा गर्म नाश्ता लेके भी आ गई है। ठीक है, आज नाश्ते में आप चेक कर सकते हैं, रोटी है, सब्जी है, एंड भाई साहब पनीर है यार। तो अभी ना फटाफट से नाश्ता निपटाते हैं। सर फिलहाल जब तक मैं नाश्ता कर रहा था ना, आप वहाँ पे ना चेक करो यार, शायद एक्सीडेंट हो चुका है वहाँ पे। भाई साहब बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया यार, मतलब क्या एक्सीडेंट, किसका एक्सीडेंट हुआ है पता ही नहीं, कार वाला का हुआ, बाइक वाला का हुआ पता ही नहीं है। एंड ना आप पीछे में बैक में जाम देख सकते हैं भाई, रोड पे ना मतलब हाईवे पे ऐसे ऐसे नज़ारे ना मतलब हर एक दिन में देखने के लिए मिल ही जाते हैं यार। पर डे एक ना एक नज़ारा ऐसा देखने को मिल ही जाएगा। बट आप ना जाम देख सकते हैं, क्राउड बहुत ही ज़्यादा हो चुका था यार भाई साहब। बट एक्सीडेंट हुआ किसका? फिलहाल हाईवे पर ऐसे इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स मतलब हमेशा ही देखने के लिए मिलते रहते हैं, मतलब पर डे एक ना एक एक्सीडेंट या इंसिडेंट ऐसा हो ही जाता है। बट बहुत ही अच्छी बात है कि भाई साहब किसी को कुछ वहाँ पे हुआ नहीं। एंड अभी मस्त भाई साहब चलते हैं थोड़ा सा मस्त गर्मा गर्म चाय के लिए, मुकेश जी को बोलते हैं। बट इससे पहले भाई मम्मी से पूछेंगे, मम्मी चाय, मतलब चाय के लिए मम्मी कभी ना बोलती ही नहीं है। तो चलते हैं मुकेश जी को मस्त गर्मा गर्म चाय के लिए पहले बोलते हैं, अगर वो फ्री हुए तो भाई साहब चाय बना देंगे, नहीं तो अपन लोग खुद से ही चाय बना लेंगे भाई। सर फिलहाल ना मस्त अपना गर्मा गर्म चाय मिल चुका है, एंड चाय में मुझे ना छोटी एंड मम्मी दोनों ही कंपनी दे रहे हैं अभी चाय पीने में। तो ठीक है यार, मस्त गर्मा गर्म चाय इन्जॉय करते हैं। फिलहाल ना मस्त अपना चाय पानी तो हो चुका, एंड चाय वाय पीने के बाद भाई साहब मस्त मैं हो चुका हूँ रेडी ऊपर से लेके नीचे तक मार्केट जाने के लिए, एंड वो भी मम्मी के साथ। एंड हम मार्केट क्यों जा रहे हैं बता देता हूँ। भाई साहब हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट मंथ ना घर में शादी है, मामा के यहाँ शादी है, तो भाई साहब उसके लिए कुछ शॉपिंग करना तो बनता है ना बॉस। एंड मम्मी के साथ जा रहे हैं, तो भाई साहब जल्दी से जाएंगे, एंड जल्दी से आएंगे आज नहीं बोलूंगा क्योंकि मम्मी के साथ जा रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हो। सो लेट्स मूव। गाइज यार फाइनली अपना सारा शॉपिंग हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। एंड अभी ना फटाफट से चलते हैं घर।
फाइनली शॉपिंग करके भाई साहब घर पे आ चुके हैं एंड आप ना एक बार टाइम चेक करो यार, मतलब भाई साहब शाम के 7 बज चुके हैं ना, हम मतलब 3:30 के आसपास या 4 के आसपास में मतलब हम मार्केट गए हुए थे एंड 7 बज गए, मतलब 3-3.5 घंटे तक हम मार्केट में ही रहे यार। एंड 3-3.5 घंटे में हमने क्या क्या लिया है चलिए दिखाता हूँ। लुक एट दिस भाई साहब, ये मम्मी के लिए, ये छोटी के लिए एंड ये दोनों बॉक्सेज मेरे लिए। एंड मेरे बॉक्सेज में ना क्या क्या है आप चेक कर सकते हैं भाई साहब। ये रहा मेरा एक सेट एंड ये रहा मेरा दूसरा सेट। एंड आप ना एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना कि दोनों सेट्स में से मतलब भाई कलर कौन सा सेट का अच्छा है। वैसे मुझे तो दोनों ही पसंद आए एंड मैंने दोनों ही अपने ही ले लिए। तो ठीक है, आज का शॉपिंग हो चुका, मतलब पूरे 3 घंटे में भाई साहब हमने इतना ही सारा शॉपिंग किया बस। और तो और यार, इतना सारा शॉपिंग करने के बाद भाई साहब हम ना घर पे कुछ और लेके आए हैं, आप लोगों को ना एक बार दिखाता हूँ। जस्ट अ मिनट भाई साहब, मस्त मस्त गोलगप्पे। तो हाँ, अभी ना मैंने बहुत सारे गोलगप्पे लिए हैं, तो मैं, मम्मी, छोटी, मोनू सब खाएंगे, बट मैं स्टार्ट तो कर लूँ, तो फटाफट से गोलगप्पे चट करते हैं। मस्त अपना गोलगप्पा खा के तो हो चुका, अभी वक्त आ चुका है जो मैंने अपने लिए दोनों शर्ट्स लिए ना उसको ट्राई करने का। तो चलते हैं फटाफट से ट्राई करते हैं। तो यार ये रहा मेरा फर्स्ट वाला सेट, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी ना चलते हैं, मम्मी से रिव्यू लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी ना मम्मी से रिव्यू लेंगे। मम्मी, सेट कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है ना? टाइट नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा सा हो जाएगा, मेंटेन कर लेंगे। तो यार फिलहाल जो साइज मुझे होता है वही साइज मैंने लिया है, बट ठीक है यार, कोई बात नहीं है। येलो कलर का शर्ट ना मैंने पहली बार लिया है एंड अपने पसंद से लिया है ना, डेट्स वाई थोड़ा सा ना मम्मी मतलब रिव्यू देने में ना थोड़ा सा ये हो रही है। ठीक है, बट भाई साहब शर्ट बहुत ही अच्छा है यार। एंड आप लोग भी ना कमेंट में ज़रूर बताना शर्ट कैसा लगा। एंड अब सेकेंड वाले शर्ट की बारी है भाई। तो यार ये रहा मेरा सेकेंड वाला जो कि आप देख सकते हैं मैंने पहन लिया है, और इसमें मैं कैसा लग रहा हूँ आप कमेंट में ज़रूर बता देना यार। एंड अब ना मम्मी का रिव्यू लेने का बारी आ गया। तो मम्मी 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 रिव्यू तो दो, कहाँ चली जा रही हो? रिव्यू प्लीज। उसे ठीक लग, ओ भाई साहब उसे ठीक लग रहा है, मम्मी बोल रही है बेटा पचकाया मुझे ना, इसमें ठीक लग रहा है थोड़ा, इसमें ना थोड़ा सा शरीफ मुंडा लग रहा हूँ। तो ठीक है यार, कोई बात नहीं है, फिलहाल मुझे तो दोनों शर्ट पसंद है, बट आप लोगों का भी रिव्यू एंड मम्मी का रिव्यू बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मम्मी का भी मिल गया है, आप लोगों का बाकी है यार। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना कि भाई साहब शर्ट्स कैसे लगे मुझे, एंड आप चेक कर लो। बाकी तो अभी चलते हैं फटाफट से चेंज करते हैं। फिलहाल ना जब तक मैं अपने न्यू शर्ट्स का ट्रायल कर रहा था भाई साहब, बाहर में ना क्या भयंकर वाला आंधी तूफान एंड पानी सब एक साथ में आ चुके हैं यार, एंड उसके वजह से ना मेरा ये हालत हो चुका है, आप चेक कर लो। मतलब ना ये क्या कहते हैं, मतलब आंधी तूफान पानी एक साथ में आ गया ना, इसके वजह से बहुत से मतलब छत पे जितने कपड़े थे वो सब मतलब सारे के सारे काम निपटाने में भाई साहब इतना ज़्यादा मैं भीग गया। आप ना मतलब मेरा बैक से टी शर्ट देख सकते हो यार, पूरा का पूरा भीग चुका हूँ मैं, आप चेक कर लो, देख लो। एंड अभी फाइनली सारा चीज़ सेट हो गया है, एंड सेट करने के बाद भाई साहब मुकेश जी मस्त गर्मा गर्म हमारे लिए चाय भी लेके आ गए। तो हाँ अभी ना मस्त गर्मा गर्म चाय निपटाते हैं, बिकॉज पानी में भीगने के बाद ना चाय अगर मिल जाए तो भाई साहब मतलब क्या ही कहना यार। तो फटाफट से चाय निपटाएंगे एंड इसी के साथ आज का ब्लॉग भी निपटाएंगे। सो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी आपका जो मर्जी करिए, टेंशन फ्री रहिए, यहाँ तक मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। Oh, yeah, oh, yeah.